अब बलौदा बाजार की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहां स्कूली बच्चों को किस तरह से कंधों पर बिठाकर स्कूल पालक ले जाते हुए देखे गए हैं। इलाके में कोई पुलिया नहीं है, 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है। मरीजों के लिए यहां पर कोई सुविधाएं नहीं होती। आला अधिकारियों को कई बार सूचना दी गई है। पलारी विकासखंड के छेरका डी का ये मामला बताया गया है। अब ये देखिए तस्वीरें सामने आई है, यहाँ पर ना पुल है ना पुलिया है और पानी घुटने तक भर चुका होता है। कई बार इस तरह की स्थितियाँ बनती है और कई बार तो पालक अपने बच्चों को, क्योंकि स्कूल में जाना ज़रूरी है, बच्चों को पढ़ाई ज़रूरी है, तो कई बार पालक अपने कंधों पर बच्चों को स्कूल बैठा के ले जाते हुए भी देखे गए हैं। कुश अग्रवाल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुश, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरह की स्थितियां यहां पर बनी हुई हैं, क्या जानकारी? जी मैं बता दूं कि ये जो ये है जो छिरकाडी पलारी ब्लॉक का एक गांव है, जो पलारी से 15 से 20 किलोमीटर आगे है एक गाँव है, उस गाँव के बीचों बीच एक नाला बहता है। तो आधी बस्ती जो नाले के इस पार रहते हैं और आधी उस पार, तो वो जो नाले के उस पार रहते हैं उनके बच्चों को स्कूल आने जाने में इसमें नाला पार करके, बारिश के दिनों में बरसाती नाले जो पानी आ जाता है तो स्कूल पार करके आना जाना पड़ता है। तो जो बच्चे हैं छोटे छोटे जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं वो तो अपने पालक के साथ या अपने माता पिता के साथ स्कूल आना जाना करते, साथ ही साथ जो काम करने वाले मजदूर वर्ग है या अन्य जो बीमार है ऐसे लोगों को भी नाला पार करके आना जाना पड़ता है। जी बिल्कुल, यानी कोई अधिकारी कभी यहाँ पहुंचा नहीं? जी इस बारे में कई बार जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित करवाया गया, गांव वाले लोग बोले भी हैं कि इसमें यहां पे जो नाले के ऊपर पुल बनाया जाए, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिलता है। अभी तो आश्वासन भी हर बार दिया जाता है लेकिन हालात जस के तस है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए कुछ। तो बलौदा बाजार से तस्वीरें सामने आई जब आला अधिकारियों को कई बार सूचना दी गई है लेकिन इसके बाद सिर्फ महज आश्वासन मिलता है और कुछ किया नहीं जाता है। स्कूली बच्चों को कंधे पर बैठाकर स्कूल ले जाते हुए पालक देखे गए हैं। कई महिलाएं भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से घुटने तक पानी भरा हुआ है और ले जाते हुए देखे जा रहे हैं। हालांकि दावे और वादे यही किए गए हैं कि इस तरह की स्थितियाँ नहीं बनेंगी, लेकिन फिर भी हालात वैसे के वैसे हैं।